ओम शांति। हम सबके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे रिश्ते, फैमिली के साथ, हमारे रिश्ते फ्रेंड्स के साथ, हमारे रिश्ते अपने काम की जगह पर अपने कलीग्स के साथ। रिलेशनशिप इज़ एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जहाँ हम जो सोचते हैं, फील करते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो व्यवहार करते हैं, वो वाइब्रेशन है जो क्रिएट करते हैं और वो वाइब्रेशन रेडिएट हो जाती है। सामने वाला जो सोचता है, फील करता है, बिहेव करता है, वो उनकी वाइब्रेशन है जो वो क्रिएट करते हैं और हमारे तक वो पहुंचती है। और ये जो एनर्जी एक्सचेंज है, इसको हम एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता कहते हैं। रिश्ता सिर्फ वो नहीं है जो एक लेबल के थ्रू होता है। हम कहते हैं ना, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, अ फ्रेंड एंड फ्रेंड रिलेशनशिप, अ नेबर एंड अ नेबर रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये है एक एनर्जी एक्सचेंज। किसके बीच? इट्स एन एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन टू सोल्स। दो आत्माओं के बीच जो वाइब्रेशन एक्सचेंज होती है वो एक रिलेशनशिप है। फिर वो दो आत्माएं, वो दो सोल्स अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं। एक पेरेंट, एक चाइल्ड, एक हस्बैंड, एक वाइफ, एक ऑफिस में एक कलीग, एक लीडर एंड उसका जूनियर, एक बिजनेसमैन, उसका क्लाइंट। ये अलग अलग रोल्स हैं, ये अलग अलग लेबल्स हैं, लेकिन हर एक में रिश्ता तो सेम ही है, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द टू सोल्स। और ये बात हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि रिश्ता क्या है। माई थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स, बिहेवियर, मेरी तरफ से जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है और सामने वाले तक पहुंचती है, वो मेरा रिश्ता बनाती है। ज़्यादातर हम सोचते हैं कि रिश्ते वो हैं जो बाहर दिखता है, मतलब हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, हम एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते हैं, हम एक दूसरे के लिए क्या करते हैं। कितनी बार हम अपने आप को ये कहते हुए सुनते हैं या दूसरे ये कह रहे होते हैं, आपने इस रिश्ते के लिए क्या किया, व्हाट डिड यू डू फॉर दिस रिलेशनशिप। तो कितना इम्पोर्टेंट वर्ड है, आपने इस रिश्ते के लिए क्या किया, व्हाट डिड यू डू इन दिस रिलेशनशिप। तो सामने वाला कहेगा, मैंने इस रिश्ते के लिए ये किया, ये किया, ये किया, मैंने ना दिन देखा ना रात देखा, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इनके लिए किया, मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, सिर्फ इनके बारे में सोचा, मैंने सारा जीवन किया तो क्या किया, सिर्फ इनके लिए ही किया। सो वी फोकस ऑन द डूइंग, कि हमने एक दूसरे के लिए क्या किया, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने रिश्तों में एक दूसरे के लिए क्या किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमने एक दूसरे के लिए कैसा सोचा। हाउ आर यू थिंकिंग फॉर द अदर पर्सन। सो रिलेशनशिप इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट यू आर डूइंग फॉर द अदर पर्सन, रिलेशनशिप इज अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट द अदर पर्सन। ये अंडरस्टैंडिंग अगर हम पकड़ लें कि रिश्ता सिर्फ वो नहीं है जो हम उनके लिए कर रहे हैं, रिश्ता वो है जो हम उनके लिए सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ की तरफ हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि एज अ सोसाइटी समाज भी किस पे फोकस कर रहा है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके लिए क्या किया, हम उनके घर गए थे, उन्होंने मेरे लिए क्या किया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं उन्होंने इस काम की जगह के लिए क्या किया, हमारी कंपनी के लिए उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइस किए, कितनी मेहनत की या किसने ठीक से नहीं किया। सो एज अ सोसाइटी, एक समाज, हम किया 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 इस पर फोकस करते हैं, विच मीन्स हम उस पर फोकस करते हैं जो दिखता है, कि सब ने क्या क्या किया, चाहे परिवार के लिए, चाहे दोस्तों के लिए, चाहे रिश्तेदारों के लिए, चाहे कोई फंक्शन में, चाहे कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, एंड ऑफ कोर्स अपने और बिजनेस और इंडस्ट्री की जगह पर हर एक ने क्या किया रिश्ते अगर सिर्फ किया से बनते which means हम एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं उससे बनते। तो आपको नहीं लगता आज हमारे रिश्ते कितने न स्ट्रॉन्ग होते, कितने स्ट्रॉन्ग होते, क्योंकि हम सारा दिन कर ही क्या कर रहे हैं, रिश्तों के लिए तो कर रहे हैं, चाहे घर के रिश्तों के लिए, चाहे ऑफिस के रिश्तों के लिए, चाहे ऑफिस के लिए हम कर ही तो रहे हैं। और इतना करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, अपनी पूरी जीवन उस रिश्ते में लगा देने के बाद हम ये फील करते हैं कि ये रिश्ता उतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, ये छोटी सी बात से हिलता क्यों रहता है, ये छोटी छोटी बातों में नाराज क्यों हो जाते हैं, इतना मैंने इनके लिए किया वो इनको याद नहीं रहता, ये छोटी सी बात पकड़ कर बैठे हैं कि कल तुमने ऐसा नहीं किया। सो द किया वर्ड पे इतना ज्यादा फोकस है कि हमें लगता है इतना करने के बाद भी आई हैव नॉट बीन एबल टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बहुत किया है। तो इसलिए थोड़ा सा आज एक और शिफ्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप मीन्स एनर्जी एक्सचेंज। तो ये फ्लो ऑफ एनर्जी को सामने रखते हैं कि मेरा उनके साथ रिश्ता यहाँ नहीं होता है। हम कहते हैं मैंने ये किया, उन्होंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर उन्होंने ये किया, तो हमने सोचा रिलेशनशिप इज हियर इन व्हाट वी डू फॉर ईच अदर। रिलेशनशिप इज फर्स्ट हियर। हियर थोड़ा सा मन को रिवाइंड करें और किसी भी एक रिश्ते को ढूंढें जिसमें आपको लगता है कि वो जो हार्मनी, वो जो स्मूथनेस, वो जो ब्यूटीफुल एनर्जी फ्लो करनी चाहिए हम दो लोगों के बीच, वो हो नहीं रही है। हम कोशिश बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर कोई बात, फिर कोई नाराजगी, फिर कोई हर्ट, एक्सपेक्टेशंस तो वैसे ही नहीं खत्म हो रही। तो ये क्या है और इसको कहाँ चेक करना है? तो उस रिश्ते में जाकर उस व्यक्ति के लिए यहाँ पर आइए। यहाँ नहीं देखिए, ये नहीं देखिएगा कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है। यहाँ आइए और सबसे पहली चीज फोकस कीजिए कि उनके लिए वो सब करते हुए हमारी मन की स्थिति कैसी थी। इवन लेट्स टेक अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, एक पेरेंट और चाइल्ड, निस्वार्थ भाव, सेल्फलेस गिविंग। एक पेरेंट को रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए होता है, एक पेरेंट सिर्फ देता और देता है। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल सेल्फलेस रिलेशनशिप है। लेकिन जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई भी आपसे पूछे आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, थोड़ा रेस्ट करो ना, इतना भागते रहते हो सारा दिन, कहेंगे परिवार के लिए, अपने घर के लिए। और फिर भी वहां बच्चे नाराज हो जाते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, टाइम नहीं स्पेंड करते हमारे साथ, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और छोटी छोटी बातों पर इतनी इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं कि फिर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो हर्ट हो जाते हैं। तो फिर हम जब रिफ्लेक्ट करते हैं कि मैंने इतना किया, ये अभी भी मुझसे संतुष्ट नहीं है। पीपल डोंट सीम टू बी कंटेंटेड विद अस। संतुष्टता नहीं दिखाई दे रही सामने। मैं क्या करूं और इनके लिए जिससे ये संतुष्ट हो जाए? और कभी कभी हम उनको कह भी देते हैं, अब मैं आपके लिए और क्या करूं बाय विच यू विल बी हैप्पी। आप तो खुशी नहीं होते इतना सब करने के बाद भी। तो ये एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है रिश्ते के ऊपर कि इतना करने के बाद भी खुश नहीं हो रहे हैं। सो अब इस रिश्ते को देखते हैं। हमने किया, कहाँ किया? यहाँ किया। यहाँ किया, उनको बेस्ट मकान दिया, उनको बेस्ट स्कूल दिया, उनको बेस्ट ऑफ एवरी फैसिलिटी दी, अपनी क्षमता अनुसार, क्षमता से ज्यादा दी। वी स्ट्रेच्ड आवर कैपेसिटी। कैपेसिटी अगर इतनी थी तो हम यहाँ गए। अपने आप पर स्पेंड नहीं किया, उन पर किया, बहुत कुछ किया। अब ये सब कुछ करते हुए हमारी मन की स्थिति कैसी थी, ये चेक करना है। उनके प्रति भावना बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, लेकिन अपने मन की स्थिति वो कैसी थी? क्योंकि उस रिश्ते में जो रेडिएट हो रहा था, जो एनर्जी हमारे से निकलकर उन तक जा रही थी, वो सिर्फ डूइंग की एनर्जी नहीं थी, और हमने जो किया सिर्फ उसकी एनर्जी नहीं थी। हम यहाँ कैसे थे, फिर हम यहाँ कैसे थे, फिर हम यहाँ कैसे थे, ये तीन एनर्जीज फ्लो करती हैं। हम कोई भी एनर्जी को स्टॉप नहीं कर सकते कि मैं जो सोच रहा हूँ वो किसी को पता न चले, बस जो मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ और जो मैं अच्छे से सब कुछ कर रहा हूँ वही सबको दिखना चाहिए, इससे तो हो नहीं सकता। एनर्जी को तो हम स्टॉप नहीं कर सकते, एनर्जी तो हमारे साथ फ्लो कर रही है। अब जब हमने इतना किया, चाहे घर के लिए किया, चाहे ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए किया, क्या हम खुश थे करते हुए? क्या हम संतुष्ट थे करते हुए? क्या हम शांत थे करते हुए? क्या हम स्थिर थे करते हुए? मतलब क्या हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग थे यहाँ पर मेहनत करते हुए? क्या हम राइट वाइब्रेशंस रेडिएट कर रहे थे यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट करते हुए? क्योंकि हम सब कुछ परफेक्ट करना चाहते हैं, हर जगह, घर पर भी, वर्क प्लेस पे भी, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। कई लोग कहते भी हैं आई एम अ परफेक्शनिस्ट, मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। बहुत ब्यूटीफुल आदत है, परफेक्ट तो सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले परफेक्ट कहाँ होना होगा? यहाँ, परफेक्ट वाइब्रेशंस। पिछले कुछ सालों से हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे रिश्ते थोड़े से फ्रजाइल हो गए हैं, छोटी सी बात पर हिलने लग जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि जो रिश्ते निभाने वाला है वो है ये आत्मा, आत्मा, द माइंड विच क्रिएट्स द थॉट्स। तो कुछ समय से हम बाहर मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ की मेहनत करना इसको छोड़ दिया है, और मेहनत करना मतलब यहाँ का ध्यान रखना छोड़ दिया है। बिकॉज वी आर सो फोकस्ड ऑन द डूइंग कि वी फॉरगॉट द बीइंग। हमने सोचा यहाँ क्या करना है, सब कुछ तो यहाँ करना है, क्योंकि ये दिखाई देता है, इसी से प्राप्ति होती है, इसी से सबके जीवन कंफर्टेबल होती है, तो हम यहाँ मेहनत करते रहे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन रिश्ते में एनर्जी सिर्फ यहाँ की नहीं जा रही थी, रिश्ते में एनर्जी यहाँ की भी जा रही थी। अब अपने मन की स्थिति को चेक करते हैं। अगर यहाँ पर तनाव है, टेंशन है, आज किसी को पूछो आपको कभी टेंशन होती है तो कहते हो दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, स्ट्रेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है। अब यहाँ अगर टेंशन है, स्ट्रेस है, चिंता है, वरी है, डर है किसी बात का, यहाँ अगर कंपैरिजन है, कंपटीशन है, हर्ट है, एक्सपेक्टेशंस है, अगर ये सारी एनर्जी यहाँ है, क्रिटिसिज्म है, कंप्लेनिंग है, ये एनर्जी यहाँ है, चाहे वो किसी के लिए भी हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे के लिए वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं या अपनी फैमिली के लिए वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारी अपनी एनर्जी है, वो हमारी अपनी सोच है, वो हमारे अपने परसेप्शंस है, हमारा नजरिया है, वो हमारा एटीट्यूड है। हम रिलेशनशिप में बहुत परफेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मैल है, यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी है, यहाँ पर थोड़ा सा बोझ है, यहाँ पर परफेक्ट है लेकिन यहाँ थोड़ा सा इम्परफेक्ट है। अब अपनी इस इम्परफेक्शन के साथ हम इतने सारे रिश्तों में आ रहे हैं, घर पे, समाज में, एंड ऑफ कोर्स हमारी वर्क प्लेस में। एंड इन एवरी इंटरैक्शन हमारे से क्या रेडिएट कर रहा है? यहाँ सब कुछ परफेक्ट, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा इम्परफेक्ट। यहाँ पे हर चीज समय पर पूरी हो रही है, परफेक्ट तरह से पूरी हो रही है, जितना सोचा नहीं था उससे अच्छा पूरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर थकावट है, निंदा है, टेंशन है, वरी है, मतलब एक लो वाइब्रेशन है। तो परफेक्ट डूइंग लेकिन नॉट वेरी परफेक्ट बीइंग एनर्जी। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब ये एनर्जी सामने वाले तक पहुंची तो उनको भी परफेक्ट डूइंग मिला, क्योंकि हमने परफेक्ट डूइंग दिया था तो उनको भी परफेक्ट डूइंग मिला। तो आज अगर हम देखें हमारे जीवन में कितनी सारी चीजें कितनी परफेक्ट हो गई हैं, हमारे ऑफिसेस, हमारे बिजनेस, हमारे टारगेट्स, हमारे गोल्स, हम सब कुछ समय से पहले अचीव कर लेते हैं, चाहे कितनी भी चैलेंजेस आए हम सब कुछ क्रॉस कर लेते हैं। घर देखें तो सब कुछ पा लिया, कहाँ एक समय था कि पूरा जीवन लग जाता था घर की एक एक चीज इकट्ठी करने में। आज तो सब कुछ है, जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा है, जितना चाहिए नहीं था उससे भी ज्यादा है। तो एवरीथिंग इज परफेक्ट आउटसाइड, तो उनको भी सब कुछ परफेक्ट मिला है, लेकिन साथ साथ वाइब्रेशंस कौन सी क्रिएट हुई है? द नॉट वेरी परफेक्ट वाइब्रेशन। अब आप सिर्फ विजुअलाइज कीजिए, अपने किसी एक रिश्ते को सामने लेकर आइए जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, और आप सिर्फ एक बार साक्षी होकर, डिटैच होकर उस रिश्ते को ऐसे सामने देखिए। द सोल इन दैट बॉडी इन दिस रिलेशनशिप विद मी। अब मैंने इनके लिए किया, लेट्स से मैंने 20 साल से इनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो सब कुछ करते हुए मेरी टेंशन, मेरी चिंता, मेरा इरिटेशन, मेरी इम्पेशेंस, मेरी क्रिटिसिज्म की आदत, ये सारी वाइब्रेशंस भी मेरे से उनकी तरफ गई। 24/7 गई, सारा दिन गई। और ये वाइब्रेशंस जब उन तक गई तो उस आत्मा को भी वो वाली एनर्जी मिली। तो मेरे इस रिश्ते में, मेरे इस इंटरैक्शन में मेरा डूइंग परफेक्ट था, लेकिन मेरी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी नहीं थी। सामने वाला भी जो कर रहे हैं उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो मन की स्थिति है उस पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि आजकल किसी को बोलो थोड़ा सा अपने मन का ध्यान रख लो तो कहते टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। तो बिजी वाली एनर्जी भी तो यही है ना। तो वो सारी एनर्जी उनके पास भी, वो सारी एनर्जी मेरे पास भी, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को वो अच्छी वाली एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं। रिश्ता करने पर स्थिर नहीं होता है, रिश्ता जो हम सोच और फील कर रहे हैं उस पर बेस्ड होता है। वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब आत्मा को एक बैटरी की तरह देखते हैं। जितनी ये बैटरी, ये सोल पावर अगर नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करेगी, अब नेगेटिव का भी तो मीनिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बातों को आज हम नॉर्मल कह देते हैं जो एक्चुअली हमारे लिए नेगेटिव है, अनकंफर्टेबल है। तो जब हम वो अनकंफर्टेबल इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं, हर रोज क्रिएट कर रहे हैं, कई सालों से क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ की ये जो बैटरी है ना, ये थोड़ी सी डिप्लीट हो जाती है, विच मीन्स अ लो बैटरी। अब सामने वाला जो है वो भी शायद अपना ध्यान नहीं रख रहा है, तो वो भी थोड़ी सी लो बैटरी। अब ये दो लो बैटरी है। जस्ट विजुअलाइज, ये एक हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं, एक पेरेंट और चाइल्ड हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन दो लो बैटरी। अब ये दो लो बैटरी जब एक दूसरे के साथ व्यवहार में आते हैं, काम करते हैं, क्योंकि इनकी बैटरी लो है, इनके पास रिश्ते में देने की क्षमता कम है। देना मतलब यहाँ से व्हाट इज रिलेशनशिप, लव, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, ये वाइब्रेशंस हमसे रेडिएट हो, ये वाइब्रेशंस रेडिएट हो मुझसे सामने वाले तक। सामने वाला अपनी कैपेसिटी अनुसार करेगा, लेकिन मुझे अपनी कैपेसिटी को चेक करना है कि मेरे द्वारा यहाँ पर हर थॉट और फीलिंग में लव, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट, ये मेरे से रेडिएट हो। लेकिन उसके लिए मेरी ये बैटरी कैसी होनी पड़ेगी, क्योंकि किसी और को वो रेडिएट करने के लिए यहाँ पर वो हमेशा होना चाहिए। और अगर यहाँ पर हमेशा हैप्पीनेस, लव, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस चाहिए, तो ये बैटरी चार्ज्ड होनी चाहिए। जब ये बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज्ड होती है, तो यहाँ एक्सपेक्टेशंस, हर्ट, डिजायर्स, नाराजगी, उदासी, ये सब आने लगता है। और जब ये यहाँ आने लगता है तो ये वहां भी पहुंचता है, और जब ये वहां भी पहुंचता है तो वो उनके अंदर भी आने लगता है, और जब वो उनके माइंड पर भी आने लगता है तो वो हमारे पास भी पहुंचता है। एंड वेरी सून देयर इज एन एनर्जी एक्सचेंज ऑफ एक्सपेक्टेशंस, वांटिंग, मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, आप मुझे समझो, आप मुझे अंडरस्टैंड करो, आप मेरे साथ एडजस्ट करो, ये वांटिंग की वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन एक दूसरे को पहुंचनी शुरू हो जाती है। और हम कहते भी हैं एक्सपेक्टेशंस तो नेचुरल है ना, रिश्ते में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो रिश्ता कैसा होता है। तो ये जब होने लगता है तब हमारे रिश्ते की फाउंडेशन हिलने लगती है। हिलने क्यों लगती है? क्योंकि हम दोनों ऐसे खड़े हो जाते हैं, चाहिए चाहिए चाहिए।